दोस्तों, क्या कभी आपने कोई ऐसी प्लेस इमेजिन की है जहां पर डेली कम्यूट के लिए कोई भी कार या बस यूज नहीं होती है? तो आज मैं कॉन्टिनेंटल क्रिश में आपको लेकर जाने वाला हूं नीदरलैंड्स का वेनिस कहे जाने वाले गिथून विलेज। गिथून एम्स्टर्डम से 2.5 घंटे की दूरी पर है और मैं अपनी जर्नी पूरी करूंगा बाय ट्रेन। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है एम्स्टर्डम साउथ स्टेशन से, आइए मेरे साथ। दोस्तों, नीदरलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है डच लैंग्वेज और डच में साउथ को जाउद बोला जाता है। तो मैं एम्स्टर्डम के जाउद स्टेशन से यानी कि साउथ स्टेशन से ट्रेन लेने वाला हूँ ज्वाले के लिए और ज्वाले की मेरी ये जर्नी होगी लगभग 1 आवर की और ज्वाले से ही करनी होगी मुझे एक और ट्रेन चेंज। दोस्तों, जाउद से अब हम पहुंच चुके हैं ज्वाले और ज्वाले से हमें जाना है स्टीन वाइक और स्टीन वाइक से मुझे मिलेगी डायरेक्ट गिथून की बस। तो मैंने बोर्ड कर ली है नीदरलैंड की ये हाईटेक आईसी ट्रेन और मैं बैठा हूँ एक साइलेंट कोच में। तो याद रखिए, अगर आपने बोर्ड किया है एक साइलेंट कोच तो आप इन कोचेस के अंदर बिल्कुल भी नॉइज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ स्टीन वाइक और स्टीन वाइक से बस लेकर मुझे जाना होगा गिथून। तो गिथून पहुंचने के लिए मुझे लेनी होगी बस नंबर 70 और इस बस की फ्रिक्वेंसी होती है पर आवर। तो आपको ये ऑलरेडी प्लान करना होता है कि आपकी बस कितनी देर में आएगी, आप उस हिसाब से अपनी ट्रेन प्लान करें। तो मेरी बस आ चुकी है और यहाँ से गिथून पहुँचने में मुझे लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। बस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लें एक विंडो सीट क्योंकि व्यूज होने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों, 2.5 आवर्स की जर्नी के बाद अब हम फाइनली एम्स्टर्डम से पहुंच चुके हैं गिथून। गिथून को नीदरलैंड्स का वेनिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिटी के अंदर का पूरा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बोट्स के थ्रू ही होता है। तो अगर आप गिथून घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बोट प्री बुक कर लें और पूरी सिटी को बोट के थ्रू घूमें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो का एक सेकेंड भी मिस ना करें क्योंकि गिथून वास्तव में इतना खूबसूरत है कि इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गाँव अगर कहा जाए तो इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं हो सकता है। दोस्तों, गिथून में बस से उतरने के बाद आपको अगर कुछ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। सिटी के ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर को भी पानी के पीछे बनाया हुआ है। ऑल्दो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एक स्ट्रीट भी मिल जाएगी। आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे कि यहाँ पर एक टेक अवे प्लस टेक अवे स्टोर भी है, तो अगर आपको कुछ फूड आइटम्स या स्नैक्स लेने हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी बोट ऑनलाइन बुक की है तो बोट पिक करने के लिए आपको आना पड़ता है पिकअप सेंटर। तो अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग पिकअप सेंटर होते हैं, जैसे कि मेरा पिकअप सेंटर होटल दी हारमनी है। आपको बोटिंग के समय कौन सा रूट फॉलो करना है आपको उसके लिए यहाँ पर एक मैप प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसकी प्रॉपर मार्किंग होती है। वैसे नीदरलैंड्स में मैंने ये नोटिस किया है कि नीदरलैंड्स में गूगल मैप्स की मार्किंग एकदम प्रॉपर है, तो आपको अगर गूगल मैप्स अच्छे से यूज़ करना आता है तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। बस कुछ ही टाइम में हम पिकअप करने वाले हैं अपनी ये बोट। बोट पिक करते टाइम आपको यह बताया जाएगा कि आपको बोट राइड करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। Wooden poles, small red signs. You come, this is easy. You come to the big lake. You cross, here is the windmill without wings. Yeah. Be careful with the boat. तो दोस्तों, हमने बोट ले ली है और फाइनली अब हम हैं अपनी बोट राइड पर। ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है क्योंकि आपको बोट पूरी तरह खुद से ही राइड करनी होती है
तो आप डिफरेंट टाइप की बोट्स यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप 5 सीटर बोट ले रहे हैं, 2 सीटर ले रहे हैं या फिर पैडल बोट ले रहे हैं। दोस्तों, कॉन्टिनेंटल फिश में आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक नए फेस को, जो कि है प्रवीण का। प्रवीण वैसे तो खुद भी एक यूट्यूबर हैं और नीदरलैंड्स में रहते हैं, तो नीदरलैंड्स की मेरी इस जर्नी में प्रवीण मेरा साथ देने वाले हैं और मुझे कई सारी डिफरेंट प्लेसेस पर घुमाने लेकर जाने वाले हैं। गिथुर्न आपको रूरल और अर्बन दोनों ही फील देगा। ट्रस्ट मी, अगर आप नेचर लवर हैं तो आप यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी हम एक कैनाल से होते हुए जा रहे हैं और हमारे रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए हैं लोटस और कुछ डिफरेंट टाइप के मरीन फ्लावर्स, तो ये बहुत खूबसूरत हैं और हमने कलेक्ट किए कुछ फ्लावर्स भी। तो बोट चलाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बोट किसी भी प्लांट्स के ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रोपेलर में कचरा फंस जाता है और ये सिचुएशन अभी अभी हम लोगों ने फेस की और हमें कॉल करना पड़ा ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर ने सलाह दी कि इसका कचरा साफ किया जाए पीछे से। तो अभी हमें प्रोपेलर से कचरा हटाना होगा और इस काम में मेरी हेल्प कर रहे हैं प्रवीण। एक्चुअली प्रवीण हमारे हेड कैप्टन हैं, तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि प्रवीण ही इसको राइड करेंगे। तो प्रोपेलर तो संभव हमने क्लीन कर लिया है और बोट की कमान है अब प्रवीण के हाथों में। देखते हैं आगे हमें क्या क्या सरप्राइजेस और मिलते हैं। इसमें ब्रेक नहीं होते क्या? शिट, शिट, शिट। तो ये सिचुएशन तो हैंडल हो गई। एक्चुअली बोट राइड करने के कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि इन बोट्स में ब्रेक होते ही नहीं है। तो प्रवीण ने अभी हमें दो प्रॉब्लम से बचाया। पहला, उन्होंने हमें रियलाइज कराया कि हमारी बोट में ब्रेक है ही नहीं, और दूसरा ये कि हमारी बोट पानी के किनारे जाते जाते बची, जो कि अब फिर से पानी में आ चुकी है। सो वी आर सेफ। अगर बोट की बात करें तो बोट की स्टीयरिंग और कार की स्टीयरिंग में आप कोई ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं करेंगे, और मेनली ये इलेक्ट्रिक बोट है और पूरी तरह से आपकी जो स्पीड मेंटेन होगी वो गियर सिस्टम के थ्रू होगी। तो अगर मैं ये गियर पीछे करूंगा तो इट मीन्स इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, और इससे आगे करने पर इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो पूरा कंट्रोल यहाँ पर है, और मज़ेदार बात ये है कि इस पर कोई भी ब्रेक नहीं है, तो आपको पूरा स्पीड गियर से ही इसको मेंटेन करना है। गिथुन शहर में छोटे और बड़े मिलाकर लगभग 176 ब्रिजेस हैं, और ये सारे ब्रिजेस पहले फार्मर्स यूज़ किया करते थे अपनी क्रॉप्स को अपने घरों तक ले जाने के लिए। आप मेरे पीछे जो ये घरों का स्टाइल देख रहे हैं, ये बेसिकली 17th सेंचुरी से ही ऐसे चला आ रहा है, और आज भी गिथुन के लोग इसी तरीके के घर बनाकर रहते हैं। तो नीदरलैंड्स के वेदर के अकॉर्डिंग ये घर एकदम परफेक्ट माने जाते हैं। इसके ऊपर की जो आप हट देखेंगे वो घास फूस से बनी हुई है, तो लगभग 17th सेंचुरी के पहले से ही इसी टाइप के घर बना के लोग रहते हैं और आज भी वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा गिथुन की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, लगभग 2700 लोग यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, गिथुन के बारे में एक मज़ेदार बात यह भी है कि यह यहाँ पे अपने एक स्पेसिफिक स्टाइल के मेलबॉक्स के लिए भी फेमस है। तो घर के बाहर ये मेलबॉक्स लगा हुआ है, और एक्चुअली इसको फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक डस्टबिन है, बट
आप गलत होंगे क्योंकि यह एक मेल बॉक्स है। दोस्तों अभी शाम का लगभग 8:30 बज चुका है और एम्स्टर्डम रिटर्न होने के लिए हमें सेम रूट फॉलो करना होगा। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट बस होती है यहाँ से स्टेनवाइक के लिए वो 6 PM पर होती है, तो हमें अब एक टैक्सी लेनी होगी और टैक्सी की कॉस्ट होगी लगभग 35 यूरो। तो टैक्सी से मैं पहुँचूंगा स्टेनवाइक और वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा एम्स्टर्डम के लिए। गिथून की मेरी ये डे ट्रिप काफ़ी शानदार रही और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल फ्रेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।